बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए घंटा घर चौक से मलेका बाजारों का दौरा किया। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ एजाज असलम के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी, ज़िले पुलिस, पाक आर्मी, रेंजर्स के दस्ते भी उनके हमरा थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक लॉकडाउन पर मनो अन अमल दरामद करवाया जाएगा। इस सिलसिले में ताजर हजरात भी तावन करें। उन्होंने मौके पर मौजूद ताजरों से भी मुलाकात की और उन्हें लॉकडाउन के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ज़िले इंतजामिया के अफसरान से कहा कि वो मार्केटों और बाज़ारों के मुसलसल दौरे करके लॉकडाउन पर अमल दरामद को चेक करें और खिलाफ वर्जी पर दुकान को सील कर दिया जाए। उन्होंने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों से कहा खिलाफ वर्जी पर एक्शन में ताखीर नहीं होनी चाहिए और किसी को भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि कोरोना के चैलेंजेस से निपटने के लिए आवाम का तावन भी बहुत ज़रूरी है और हम सब ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, लिहाजा एहतियात का दामन थामा जाए जिसकी बदौलत ही शहरी खुद और अपने प्यारों की ज़िंदगियां महफूज बना सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर शहरियों से अपील की कि वो घरों पर रहें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें और इंतहाई ज़रूरत के तहत बाहर जाते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल हर सूरत लाजमी तौर पर किया जाए।